क्या आप ये जानते हैं कि हमें हेल्दी और फिट रहने के लिए हर तरह के विटामिन्स की ज़रूरत होती है। उन्हीं में से एक विटामिन है विटामिन D3। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए, हमें फिट बनाए रखने के लिए और हमारे ऑर्गन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, विटामिन्स D3 जो होता है उसका काम रहता है कि जो भी हम कैल्शियम ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, और अगर आपके शरीर में विटामिन्स डी की कमी हुई तो आपके शरीर में कैल्शियम की भी कमी ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपने वो सुना होगा ना, गेट वन बाय वन फ्री, उसी तरह है। अगर आपके शरीर में विटामिन्स डी की कमी हुई तो उसके साथ फ्री आपको कैल्शियम की कमी भी मिलेगी। विटामिन्स डी हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हमने बहुत से छोटे बच्चे देखे हैं जिनको विटामिन डी की कमी होती है तो उनके हड्डी का विकास, उनके मस्तिष्क का विकास सही से नहीं हो पाता है। तो हम में से भी बहुत से लोगों को विटामिन डी की कमी रहती है, लेकिन वो विटामिन डी की कमी होने पे उन्हें किस तरह के लक्षण आते हैं शरीर में ये नहीं पता होता, और ये नॉलेज ना होने के कारण उनके बहुत ज़्यादा जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जिससे कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है और आपको फिर मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आप ऐसा मत करिए, आप शुरुआत में ही इनके लक्षणों को पहचान लीजिए ताकि आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत ना पड़े, आप कुछ विटामिन डी फूड प्रोडक्ट लेकर अपने आप को ठीक कर सकें। आपकी कंडीशन अगर ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ सकता है। इसलिए आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके शरीर में अगर विटामिन डी की कमी होती है तो आपको कौन से लक्षण शुरुआती दौर में आते हैं। हम कुछ ऐसे लक्षणों की भी बात करेंगे जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी हो जाती है, तब आपको उस तरह के लक्षण आएंगे जिनकी हम बात करेंगे। मीन्स हम दोनों ही लक्षणों की बात करेंगे, जब आपको शुरुआत में लक्षण आते हैं और जब कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। देखिए, अगर आप शुरुआत में लक्षणों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद आप कुछ होम रेमेडीज ले लेते हैं या कुछ फूड प्रोडक्ट ले लेते हैं तो डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि विटामिन डी की कमी को हम कैसे पहचान सकते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं जिन्हें केवल आप देख लेते हैं, कुछ टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि विटामिन डी की कमी के कारण आपको कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। देखिए, विटामिन डी जो होता है ये हमारे हेड टू टो तक इफेक्ट डालता है। जी हाँ, आपके सर से लेकर पैर तक की बॉडी में ये इफेक्ट डालता है। आपको हम लाइन वाइज बताते हैं कि कैसे। देखिए, अगर आपको विटामिन डी की कमी होगी तो सबसे पहले तो आपको जो मूड स्विंग आपका बहुत ज़्यादा होगा, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे, डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं, या आपको चिड़चिड़ाहटपन इतना होगा कि आप छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ करेंगे। आप खुद या आपके परिवार में कोई ऐसे लोग जिनका पहले तो मूड सही रहता था, अचानक से उनके मूड में चेंज आ गया, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगे, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होने लगा, इवन उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगा और कुछ सामान रखकर भूल जाने लगे, या आप या आपके परिवार में कोई, तो आप ये समझ जाइए कि आपको या आपके परिवार में जिनको भी ये लक्षण आ रहे हैं उनको विटामिन डी की कमी हो रही है। क्योंकि जैसा हमने बताया कि जो विटामिन डी होता है ये हमारे मस्तिष्क पे बहुत बुरा असर डालता है, तो इसलिए इससे क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो भी डाउन होता है, हम किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारा ध्यान उस चीज़ में नहीं लगता है। इवन हमने बच्चों को देखा है, उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, पहले लगता था, अचानक से मन लगना कम हो जाता है। या आप भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगे, अचानक से आप चिड़चिड़ाने लगे, तो ये विटामिन डी की कमी का लक्षण होता है। इरिटेशन, एंजाइटी, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वीक मेमोरी के अलावा नींद ना आने की प्रॉब्लम भी विटामिन डी की कमी के कारण देखी जाती है। देन अब हम बात करते हैं, हमारे ये दांतों और हड्डियों पे भी बहुत बुरा असर डालता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दांत और हड्डियां तो कैल्शियम से मजबूत होती है, इसमें विटामिन डी का क्या रोल है।
देखिए, जैसा हमने अभी आपको शुरुआत में बताया कि जो विटामिन डी होता है ये आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मींस आपके शरीर में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो आपके ये दांतों और हड्डियों पे बुरा असर डालेगा। लेकिन मान लीजिए आप कैल्शियम भरपूर मात्रा में ले रहे हैं, दूध दही छाछ पनीर अच्छे से ले रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इस कारण ही आपके मसूड़े वीक हो जाएंगे, दांत भी वीक हो जाएंगे, दांत हिलने लगेंगे। दांतों पे ये बहुत बुरा असर डालता है, हड्डियों के विकास को भी रोकता है। बहुत से हमने छोटे बच्चे देखे हैं, उनके जो पैर हैं बहुत पतले पतले रहते हैं, गर्दन पतली रहती है, उसका रीज़न विटामिन डी की कमी होता है। जी हाँ, बहुत से लोगों को विटामिन डी की कमी के कारण उनके जो घुटने हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है, घुटनों से कड़कड़ की आवाज़ें आने लगती है, उनको पीठ दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कमर में दर्द बना रहता है, ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी के कारण इतना दर्द होता है, जब आपको ज़्यादा विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपको फिंगर मूव करने में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये तब होता है जब आपको बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, ये भी एक रिमार्केबल सिम्टम्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण। आप कोई भी काम नहीं भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत देर तक बैठे हुए हैं, आपको बैठे बैठे भी आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या मान लीजिए आप थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि सांस लेने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ये भी विटामिन डी की कमी का लक्षण है। देखिए, ये लक्षण जब आता है जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी हो जाती है, और केवल फूड प्रोडक्ट के द्वारा आप अपने शरीर में विटामिन डी की कमी तब पूरा नहीं कर सकते, आपको उसको पूरा करने के लिए मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। थकान नॉर्मली अगर हो रही है तब तो ये शुरुआती लक्षण है, लेकिन बैठे बैठे भी आपकी सांस फूल रही है, आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपकी सांस फूल रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ये विटामिन डी की कमी का लक्षण है। इसके अलावा हेयर फॉल का होना, जी हाँ, बहुत से जो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं उनको अचानक से हेयर फॉल होने लगता है। 100 या 150 रोज अगर हेयर फॉल हो रहा है, हेयर गिर रहे हैं आपके, तो ये नॉर्मल में काउंट होता है, लेकिन इससे ज़्यादा गिर रहे हैं तो आपको इस सिम्टम्स को ज़रूर ऑब्जर्व करना है, ये विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। देन नेक्स्ट, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हुई तो आपको अगर कोई चोट लग जाती है तो वो जल्दी से नहीं भरेगा। जी हाँ, अगर मान लीजिए आप गिर गए और गिरने के 2-3 दिन तक नॉर्मली घाव भर जाते हैं, लेकिन आपका घाव भरने में 5 से 7 दिन 8 दिन लगा रहा है, वो भी एक बहुत रिमार्केबल सिम्टम्स होता है विटामिन डी की कमी का। विटामिन डी की हमारे शरीर में जब कमी हो जाती है तो घाव इतनी आसानी से नहीं भरता। इसके अलावा अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी आप बीमार पड़ेंगे, मीन्स आपकी इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाएगी, जिससे थोड़ा सा भी मौसम चेंज होगा आपको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके बॉडी में इन्फेक्शन जल्दी फैल सकता है, ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। हम बहुत से ऐसे बच्चे देखते हैं जो हर 15 दिन में उनको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है, हर मीन्स हर वेदर चेंज होते ही उनको सर्दी जुकाम होने लगता है, वो विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। इनमें से कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपके मैच हो रहे हैं तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, जैसे आपकी सांसों का बहुत ज़्यादा फूलना, बेवजह थकान महसूस होना, हड्डियों से कटकट की आवाज़ आना, हड्डियों चलते समय जो हड्डियां हैं उनमें बहुत तेज़ दर्द होना, फिंगर मूव करते हुए दर्द होना, दांतों में बहुत ज़्यादा ढीलापन सा होना, दांतों में सेंसिटिविटी होना, इस तरह के अगर आपके लक्षण हैं तो आपको विटामिन डी टैबलेट ज़रूर लेनी होगी। आप हमारी होम्योपैथिक की भी विटामिन डी टैबलेट ले सकते हैं। इस दवा को आपको वीक में एक बार लेना है, जैसे आपने मान लीजिए संडे स्टार्ट किया तो आपको नेक्स्ट संडे ही इसे लेना है। इस दवा को एक टैबलेट आपको पानी के साथ लेना है। हमारी होम्योपैथिक की ये बहुत असरदार दवा है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपके शरीर में बहुत जल्दी विटामिन डी की कमी को
पूरा करेगा। इसके अलावा अगर शुरुआती लक्षण हैं आपके, आप दवा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप कुछ फूड प्रोडक्ट लेकर ही अपने शरीर में विटामिन्स डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो विटामिन्स डी होता है वो है नॉन वेज में, रेड मीट में होता है, जो हमारा फिश ऑयल होता है उसमें होता है। और देखिए, जो दवाएँ बनती हैं एलोपैथिक विटामिन्स डी की कमी को पूरा करने के लिए, वो दवाएँ जो है फिश ऑयल से ही बनती हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश ऑयल ले सकते हैं, सालमन फिश होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स होता है, एग में बहुत ज़्यादा होता है। जनरली मैंने देखा है कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन्हें इतना जल्दी विटामिन्स डी की कमी नहीं होती। विटामिन्स डी की कमी ज़्यादातर जो वेजिटेरियन होते हैं उन्हें होती है। और हम जैसे वेजिटेरियन हैं तो हमें विटामिन डी की कमी हो सकती है, इसलिए हमें अपना ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नॉन वेजिटेरियन को भी होती है विटामिन डी की कमी, लेकिन इतना ईजिली नहीं होती है। और जो वेजिटेरियन है उनको 80% वेजिटेरियन को विटामिन डी की कमी होगी। सूर्य की रोशनी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। अभी तो देखिए गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो जो ये यूवी किरणें हैं, रेज हैं, ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आप जो सुबह अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है 4 बजे की, उसे आप ले सकते हैं। बाद की धूप आपके लिए नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उस धूप को आपको नहीं लेना। लेकिन ठंड के सीज़न में आप 7 बजे 8 बजे की धूप ले सकते हैं, बहुत अधिक मात्रा में उसमें विटामिन्स डी होता है, नेचुरल सोर्स है, इसलिए आपके शरीर में विटामिन्स डी की कमी को जल्दी पूरा करेगा। इसके अलावा जो वेजिटेरियन हैं वो दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन, योगर्ट्स और मशरूम के अंदर बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी होता है। आप मशरूम को सैलेड के रूप में, लेकिन पहले मशरूम को अच्छे से बॉईल करके फिर सैलेड के रूप में खा सकते हैं, या आप मशरूम को सब्जी बना के खा सकते हैं। मशरूम के अंदर बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी होता है, तो इन सभी चीज़ों में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी होता है। आप इन चीज़ों को अगर लेते हैं तो आप दवाई खाने की कंडीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं पर्सनली नहीं चाहती कि हम में से कोई भी दवाई का सेवन करें, केवल अपनी डाइट को चेंज करके, डाइट में कुछ चीज़ ऐड करके ही आप अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर लें, ताकि आप हमेशा हेल्दी एंड फिट रह सकें। देखिए विटामिन डी जो है हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, इसलिए आपका इसके लक्षण जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके परिवार में या आपको, आपके आसपास किसी को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो आप उन लोगों तक मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैंने जो होम्योपैथिक विटामिन डी कैप्सूल बताई है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल रही है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।